किसी गांव में एक लड़का रहता था और एक दिन वह अपने गंदे गलत दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है। उसकी उम्र 20 साल थी। उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ रहा था। दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जवानी में ही उसका शरीर किसी बूढ़े व्यक्ति के समान हो गया। उसके घर वाले उसका ये हाल देख देख के उसके भविष्य के बारे में सोच सोच के बहुत चिंतित रहते थे और एक दिन वह उस लड़के को किसी अच्छे से वैद्य के पास लेके गए। वैद्य ने उस लड़के के शरीर में प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी बताई और कुछ दवा देके उन बाप बेटों को वापस भेज दिया। प्रोटीन और विटामिन लेने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार ना हुआ और धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल गई। तभी गांव के किसी बुजुर्ग ने उस लड़के का हाल देखा और लड़के से काफ़ी देर तक बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद बुजुर्ग ने लड़के के पिता को एकांत में ले जाकर समझाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचर्य नष्ट करने की लत लग चुकी है और ये लत दुनिया की सबसे खतरनाक लत है। अगर समय रहते इस लत से छुटकारा नहीं दिलाया तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे किसी ऐसे साधु संत के पास ले जाओ जिसने अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया हो। वही तुम्हारे बेटे को समझा सकते हैं और इसके चित्त को बदल सकते हैं। वो आदमी घर आया और अपने लड़के से पूछा कि बेटा सच सच बताना कि तुम ब्रह्मचर्य का नाश करते हो या नहीं। उस लड़के ने कहा कि पिताजी आपसे किस वैद्य ने ऐसा कहा कि मैं ब्रह्मचर्य नष्ट करता हूँ। पिताजी बोले, बेटा वैद्य ने नहीं बल्कि हमारे गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग रामू काका ने कहा। फिर लड़के ने कहा, पिताजी आप बिना किसकी बातों में आ गए। उनकी उम्र 90 साल है और बुढ़ापे में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बुढ़ापे में सटिया गए हैं। आप उनकी बातों पे विश्वास ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। लेकिन पिताजी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका शरीर उसके ब्रह्मचर्य नष्ट करने की गवाही दे रहा था। पिताजी ने फिर बेटे के रूम की तलाशी ली। रूम में जाते ही एक अजीब सी गंध आ रही थी और कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें मिली जिसे देखने के बाद पिताजी के होश उड़ गए। पिताजी ने कहा, बेटा ये सब चीज़ें किस लिए? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर इतनी सारी अश्लील चीज़ें किस लिए? पिताजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बेटे ने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की हैं। पिताजी चिल्ला के बोले, तो सारी अश्लील चीज़ें ये तुमने अपने दोस्त से क्यों ली? बेटा पिताजी के सवाल का उचित जवाब ना दे पाया लेकिन फिर भी पिताजी ने बेटे पे हाथ नहीं उठाया और प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो बेटा, मैं जन्म का संगी हूँ, कर्म का नहीं। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इस गंदी गलत आदत से तुम्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हारे शरीर की बीमारी का पता लगाने के चक्कर में मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तुमने मेरे और अपने सपनों पे पानी फेर दिया। और इतना कहकर बाप की आंखों से आंसू छलकने लगे। पिता का चेहरा देखकर बेटे ने कहा, पिताजी मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा। और अपने पिता से वादा करने के बाद वह एक महीना तक ही अपने आप को जैसे तैसे रोक पाया और फिर से ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। तभी उस गांव में एक साधु आए जो अखंड ब्रह्मचारी थे। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस साधु के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा और कहा कि साधु जी, मेरा बेटा पिछले 7 साल से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहा है, कृपया आप उसे सही रास्ता दिखाएं और उसे बचाएं। साधु जी ने उस बात को सुना और कहा कि आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए और वहीं पर मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंच गए। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते ही चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते ही बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए।
और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इस सब में कितना मजा आ रहा हो। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया और इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक गुड़ैल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे ने पेड़ का ताना पकड़ा और इसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। फिर महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने ये प्रयत्न किया, प्रण लिया कि आज के बाद वह कभी भी गंदी गलत आदतों का शिकार नहीं बनेगा, कभी भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि ऐसी ही वीडियोज आप देख सकें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।